भाई साहब मेरा लेंटर डलने वाला है और आबी की साइकिल जो है ये देखो क्या हालत हो गई है, इसको हटाना पड़ेगा संगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये आबी ने हटाई भी नहीं, हटाते हैं चलो इसको। आई थिंक ये सेफ जगह है, परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत और आ गए हैं पार्क के अंदर। तो संगी को मैं सलाह दे रहा था कि देखो मेरे को देख के लाइफ में कुछ किया करो, प्रोत्साहन लिया करो, और मैं तुमसे भी प्रोत्साहन लूंगा। प्रोत्साहन मतलब कि इंस्पिरेशन टाइप का, कि तुम मुझसे लो इंस्पिरेशन, मैं तुमसे लेता हूँ, है ना। तो ऐसे सीखते जाएंगे एक दूसरे से कुछ ना कुछ। तो कुछ सिखाओ चलो। वॉक करने चले, वॉक करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा सेहत को ज्ञान, सेहत का ध्यान। खोलिए। तो यही है वो शख्स जो गर्म पूड़िया खा रहा है आजकल, खूब दवा के गर्म पूड़िया खा रहे हो। खा रहे हो कि नहीं खा रहे? बाहर से लेके, 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 मतलब हलवाई। सर जी जय माता दी। लाइए एक नारियल अच्छा वाला और चुनरी। आज पहला नवरात्र है ना? हाँ। आखिरी कब है? 30 अप्रैल को, 22 से 30 की नौमी। बहुत बढ़िया। शूज की वाट लग जाती है बिल्कुल ही। अभी जूता यार ये समझ नहीं आ रहा, ये शूज ना बिल्कुल डबल सर्किट जाके ख़त्म ही हो गए हैं, लेकिन अभी फेंकने का मन नहीं है। भले ही नए लेकर आएंगे, लेकिन कभी कभी खेलने के तो काम आ ही सकता है, क्यों भाई, है ना। जय माता दी। तो नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं आज के दिन। भाई एक टाइम था शायद मैं पहला और आखिरी रख लेता था, लेकिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब थोड़ा सा मैं डिनर की और इतना रुझान नहीं है, झुकाव नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो खाता ही हूँ मैं डिनर पे, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ठीक है यार, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जो लोग फास्ट रख रहे हैं, वो भी कई लोग फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, कई पूरे के पूरे 9 रख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है आप ऐसा अगर कर रहे हैं। मुझे एकदम से याद आया कि यार वीकेंड पे मैंने ना कुछ मूवी सीरीज़ कुछ तो देखा था। इनफैक्ट कल अभी सुबह सुबह सीरीज़ लगा के बैठा था, और सीरीज़ का नाम था पॉपकॉर्न। एक्चुअली वो पॉप मतलब वाला पॉपकॉर्न नहीं जो खाते हैं, बट पॉप इज़ लाइक डैड। तो वो सीरीज़ फ़नी सीरीज़ है, बच्चों को पसंद आएगी, डिफरेंट लेवल की है। तो वो सीरीज़ अभी ने देखी पॉपकॉर्न, उस मैं तो देखने वाला, मैं तो ऑफिस चला गया था। और वीकेंड पे जो मैंने देखा वो था एक द लेज, और साउथ इंडियन हिंदी डब वर्जन धनुष, धनुष नाम है शायद ना, हाँ। तो उसकी मूवी देखी हमने, वाथी। वाथी का मतलब सर होता है। तो वो तो मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूँगा, इनफैक्ट बड़े बच्चे सबको, बहुत ही अच्छी मूवी है, एजुकेशन के ऊपर है। तो मुझे लगा कि मैं क्या वीकेंड पे देख रहा हूँ, कभी कभी वो रिकमेंडेशन कर देनी चाहिए, इसलिए रिकमेंडेशन कर दी भाई। फिलहाल वक्त हो गया है अपने ज्ञान का, समझ गए ना, अरे वही वाला ज्ञान जो रोज़ बात करता हूँ। तो ज्ञान बढ़ाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
भाई साहब घर किराए पर देना भी एक अलग ही तरीके का कार्टून नेटवर्क चल रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं कि डिफरेंट फीलिंग है। मेरे को हंसी आ रही है। एक जनाब जिनसे मिलवाया था मैंने आपको, इनफैक्ट आपको भी मिलवाया, बट मैं मिलने गया था, बट मैंने दिखाया था मैं कहाँ गया था, और उन्होंने बोला सर फाइनल है या कल आ जाइए आप और इस अमाउंट पे हम फाइनल कर देंगे, ठीक है, और आप अपना आधार कार्ड वगैरह दे दो, बैंक डिटेल दे दो, ट्रांसफ़र करवा देते हैं पैसा। मैंने कहा ठीक है। कल उन्होंने लास्ट मोमेंट पे बोला कि नहीं आज नहीं आ रहे सर, वो डीलर ने बोला कि आज वो टेनेंट जो है वो नहीं आ रहे हैं, आपसे कल आना। मैंने कहा ठीक है जी। आज मैंने फ़ोन ही नहीं किया, मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर कुछ ना कुछ इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ कुछ चल रहा है लेकिन मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। मैंने फ़ोन ही नहीं किया, मैं ऑफिस से निकल गया, उसका खुद फ़ोन आया डीलर का, सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो रास्ते में हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो बोलते अच्छा ठीक है सर, एक बात करनी है, आप एक काम करो पहले आप आ जाओ। मैंने कहा अब मैं आऊँगा नहीं, पहले बात जो करनी पहले बात बताओ क्या है, उसके बाद आऊँगा, मैं सोचूंगा कि आना कि नहीं आना। बात मैंने करवाई उससे, बंदे ने फिर से अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, बोला सर वो पार्टी ये कह रही है, अब क्या करें, अब पार्टी तो ये अमाउंट बोल रही है। मैंने कहा भाई साहब, पहले उस दिन ऑफिस में इतनी बार्गेनिंग, इतना नीचे ले जाना, उसके बाद हर बात फाइनल करने के बाद उसने जो अमाउंट बोला उसको मान जाने के बाद बंदा बोल रहा है बात करनी है सर, उनको उन्होंने कम कर दिया अमाउंट। मैंने कहा सर नमस्कार, सॉरी आई एम नॉट कमिंग। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा खुल जाता है। दूसरे डीलर का कॉल आ गया और वो जनाब कह रहे हैं कि सर फटाफट मीटिंग करनी है आपको, अगर बहुत पसंद आ गया है, पार्टी मिलना चाह रही है। मैंने कहा मिलवा दो भाई आज ही मिलवा दो। नहीं सर कल मिलेगी 12 बजे दोपहर में। मैंने कहा 12 बजे दोपहर में, मैं तो ऑफिस में रहूँगा। नहीं सर आपको आना पड़ेगा। अरे भाई मैं कैसे आ सकता हूँ यार, समझा करो बात। मतलब एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या कोई बंदा हर वक्त अवेलेबल हो सकता है, खास तौर पे ऑफिस वाला बंदा? तुम्हें तो पता ही है यार, सुबह कैमरा ऑन होता है फिर शाम को ऑन होता है, सुबह ऑन करने के बाद शाम को ऑन हो रहा है, सारा दिन तो नहीं आ सकता। भले ही घर की बात है, वीकेंड पे मिल जाऊंगा ज़्यादा, वीकेंड पे करा लो मीटिंग। नहीं सर कल ही करनी है। मैंने कहा कल तो नहीं मिलता, अगर कल मिलना है तो शाम को 8 बजे का मीटिंग होगी। अच्छा ठीक है मैं चेक करता हूँ। चेक किया, बोला सर आधा आप आधा वो, ना उनकी ना आपकी, 4 बजे आ जाओ। अरे ये कौन सी डील चल रही है भाई, क्या मजाक चल रहा है, आधा वो आधा मैं ऑफिस से बीच में उठ के निकल आऊँ 4 बजे? 4 बजे का मतलब मैं 2:30 बजे निकल जाऊँ, 1 घंटा ड्राइव करके आ जाऊँ? नॉट पॉसिबल मैन, नॉट पॉसिबल। तो मैंने बोला भाई तुम वीडियो कॉल करा देना मेरी ऑफिस से, मैं रूम में जाके वीडियो कॉल कर लूँगा, क्या डील है, क्या कार्टून नेटवर्क है या सीरियस है, सब पता चल जाएगा। लेकिन ये कार्टूनियत मत करो यार हमारे साथ, थोड़ा सा सेंसिबली बात करो। आप अपने अमाउंट बोल के पीछे हट जाते हो तो इसका मतलब यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर थॉट्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कोई भी डील करो, कुछ भी बात किसी को बोलो, कोई भी किसी को कमिटमेंट दो, तो क्लियर रहना लाइफ में, बहुत शांति मिलेगी। सुनिए तो बहुत लाजवाब है यार, रखो इसको। अरे दिख रहा है भैया, दिखने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है, खा के भी दिखाते हैं मेरे को। ये क्या नवरात्रि रेसिपी है? नाम क्या है लेकिन? ये वो है नवरात्रि वाली चाट है ये। तो गाइस नवरात्रि वाली चाट खाने जा रहा हूँ मैं, मुंह में बहुत पानी आ रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, तो बनता है बहुत सी। तो मजा ही आया यार, ऐसे मना कर दो जैसे कि बहुत बेकार है। बेकार नहीं मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे को राइट एक्सप्रेशन देने नहीं आ रहे, ये बहुत अच्छी बनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तुमने खाया? अमेजिंग। हां मैं तो जब बनाया मैंने अकेले खाया, क्योंकि आवी को तो पता नहीं भाई इसका पेट भरा हुआ। लाजवाब, मजा ही आ गया। लग रहा है ये व्रत वाला है। बस अपनी चटनी जो है ना ग्रीन वाली, ये अपनी चटनी है,
उनकी वो व्रत बंद निकाल लें जो लोग बनाएंगे। अच्छा ग्रीन वाले तो आपने कर ली क्योंकि हमारा फास्ट होना है, अदरवाइज वो अपनी डाल देंगे जो ग्रीन चटनी बनती है ना धनिया वाली। बहुत ही मजा आ रहा है, रिफ्रेशिंग है, एक बार दिखाता हूं फिर। और अनार के दाने से ना बड़ा मजा आ रहा है। भाई संगी ये तो ना कोई बाहर की शॉप पे भी नहीं मिलती होगी, ये मेरे को लग रहा है नवरात्रे वाली रेसिपी तो नहीं, बहुत ही जबरदस्त है। बहुत बढ़िया यार। कहे बना हाथ से और कैसे नाइस। तुम्हारी आवाज आ रही है इसके अंदर नाइस। मैं अपना ही चालू हूँ संगी, क्या करें, अपना चालू होना जरूरी है। मुझे पता है तुम्हें चिंता हो रही है कि तुम्हारे मोबाइल रिकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, तुम्हारे मोबाइल पे होगी पहले, लेकिन कंटेंट मेरा जाएगा। तो नवरात्रि की खुशी में एक और रेसिपी बन रही है। वाह वाह ये देखो ना, ये कुट्टू काट है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? ये तो सिंगाड़ा लिखा, ये तो वही है, इसको देखा था हमने लास्ट वीडियो में, ग्लूटेन फ्री यही मिल रहा था, सिंगाड़ा आटा। Nice. बनाओ 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 बनाओ, आज लग रहा है मेरे सारे व्रत टूटेंगे। कढ़ाई में चिपक मत जाना, देखो कढ़ाई तो दूर है मुझसे, देखो मेरी बॉडी कितनी दूर है और कढ़ाई कितनी दूर है, चिपकूंगा ही नहीं मैं। गरम है क्योंकि आई एम सो ग्लैड टुडे, लॉट ऑफ रेसिपीज। ये देखिए नवरात्रि की एक और रेसिपी मुझे खाने को मिलने वाली है, और ये है आपका पंसारी सिंघाड़ा आटा वाटर चेस्टनट ग्लूटेन फ्री, और ये बन गया है बिल्कुल तैयार। कौन सा रैपर? जहाँ से पढ़ के बोल रहे हो वो रैपर, वो चार बार दे चुके हैं, बोर हो जाते हैं मेरी वीडियो में, इसलिए ना उनको थोड़ा थोड़ा मसाला देना पड़ता है, ठीक है ना। ये देखो ये टिश्यू पेपर है बॉस, ये सारा तेल इस टिश्यू पेपर में डाल देंगे, हम बोलेंगे हम तो भाई ऑयल फ्री खाते हैं, सारा तेल इसमें चला जाएगा, ऑयल नहीं रहेगा इसमें, हमें दिख रहा है ऑयल, ऑयल ऑयल भरा हुआ है। दीज आर द ट्रिक्स। चाय भी बन रही है साथ में, फिलहाल पानी है, चाय नहीं, नजर नहीं आ रही मुझे, कढ़ाई से दूर रहो भाई, जल्दी बनाओ ना संगी भूख लग रही है। मेरी बोलो, क्या नजारा है यार, मतलब ये रेसिपी की वीडियो जब बनती है तो ये तोड़ के रख दिया जाता है, गलत करते हो तुम, ये खाना चाहिए, खाना चाहिए, मैं खा के दिखाऊंगा। गरम है बोल रही हूँ, बहुत गरम है, बहुत यम्मी भी है, क्रिस्पी है, क्रिस्पी क्रिस्पी, सही है, खाने लगा है, आगे कहते हैं ना काम में जाएंगे। खाने लगा क्या अभी? गॉट टू ईट, तो भी बनाता है ऐसे घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे मेरे को सिखाता है, पापा ऐसे बनाया करो, सिनेमैटिक, ये देख सिनेमैटिक, ये बनाओ ना, ये सिनेमैटिक टूट जाएगा। आई आई ये गरम है, अभी डायलॉग तो बोल दे वाला है, डायलॉग तो बोल दे, कौन सा डायलॉग पता है ना? लड़का इतनी मेहनत कर रहा है कि उसकी टिक्की की आलू गिर गई। आप खाओ, उसको भी तो लो। अरे छोड़ना उसको, कौन लेगा उसको, स्पून से लेना पड़ेगा। आप स्पून ले, स्पून ये गलती से गिर गया इसके अंदर, मैं टिक्की उठा रहा था, आलू गिर गया, बट आई थिंक इसको अब हम पूरे खाली खा रहे। चटनी भी, अच्छा चटनी भी लाओ। मैं कह रहा हूँ दही और चाय, थोड़ा वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया, लेकिन चाय मेरी फेवरेट है। हाँ मत पियो, चाय जबरदस्ती थोड़ी है। मैं तो गलती से मेरे मुंह से निकल गई।
बहुत बढ़िया। ये तो आम की चटनी है? नहीं। किसकी है? पुदीना और धनिया, थोड़ा नींबू भी डाला। इसको करो साइड और ये करो एंजॉय। ये देखो लड़का, ये देखो लड़का आज मूड में नहीं है। लड़का बहुत भाई साहब, इतना खाने के बाद ना अब नींद आ रही है और वक्त हो गया। अभी ये दिख रहा है ना, वक्त हो गया, 10 बज चुके हैं और अब तो नहीं कुछ खाया जाएगा। इनफैक्ट नींद भी आ रही है और अभी महाराज फिर दोबारा बैठ गए अपनी गद्दी पे खेलने के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, समाप्त करते हैं। पहले नवरात्र आप बहुत बहुत मुबारक हो। साइनिंग ऑफ वीरेंद्र रोशन, गुड बाय, टेक केयर।